परियोजना अदानी पवार प्लांट पर किसानों ने अनेक प्रकार के आरोप लगाते हुए इनके साथ धोखाधड़ी करने और झांसा देने की बात कही है। आपको बता दें, जिले की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित योजना चौसरा पवार आज भी मूर्त रूप नहीं ले सका है। कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आ गई, कई वर्ष निकल गए, लेकिन छिंदवाड़ा जिलेवासी आज भी इस पावर प्लांट के प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अदानी कंपनी द्वारा सभी अधिकृत किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, जिसे अदानी कंपनी पूरा नहीं कर पाई, जिसके चलते किसानों ने खाली पड़ी जमीन को जोतना प्रारंभ कर दिया। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर SDM पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। अदानी ने आपको मुआवजा भी दिया, मुआवजा नहीं दिए, संतुलन राशि दी, मुआवजा नहीं दिए। मुआवजा तो MPV ने खरीदी थी, अधिग्रहण पे सरकार ने दिया। वो टाइम भी एक परिवार को नौकरी देने के लिए रजिस्ट्री की कॉपी में लिखा है, तो लिखित में हम आपको चाहत हम दे देंगे। मगर अभी तक 32 साल हो गए, हमारे पिताजी खत्म हो गए, हमारी पीढ़ी अब खत्म होने पर जा रही है, दूसरी पीढ़ी मगर रोजगार गुमराह कर रहा है हमको अधिकारी लोग और अडानी पावर प्लांट के अधिकारी। किसानों के अधिकृत जमीन की गई है, उनका क्या सभी को मुआवजा मिला? सभी को मुआवजा मिला।